जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं निवेदिता आज और एक क्विक रेसिपी के साथ आपके पास आई हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं कढ़ी पकौड़े। मैं आपको बताऊँगी कैसे आप 20 मिनट्स में टेस्टी कढ़ी पकौड़े बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो आसानी से आपके घर में मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं लाजवाब कढ़ी पकौड़े। कढ़ी पकौड़ा, चलिए हम बनाते हैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टी कढ़ी पकौड़ा। तो इसके लिए हमें चाहिए बेसन, हल्दी, नमक, लहसुन मिर्ची कुटी हुई, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, सूखी लाल मिर्च, धनिया, सरसों और कड़ी पत्ता और दही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पैन गर्म हो चुका है, उसमें हम तेल ऐड करेंगे। ये रिफाइंड ऑयल है जो पकोड़े के लिए हमें चाहिए। फिर हम बनाते हैं पकोड़े का बैटर। उसमें हमें पहले बेसन में मिर्ची पाउडर डालना है, फिर नमक, फिर हम उसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन पकोड़े का और टेस्ट बढ़ाता है। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हल्के हल्के पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। एक बार ही पूरा पानी नहीं डालना, हम जैसे नॉर्मल पकोड़ा बनाते हैं वैसे ही हमें इसका बैटर बनाना है, जो हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे तलेंगे जैसे हम नॉर्मल पकोड़ा बनाते हैं, और ये हमारा पकोड़ा बनना स्टार्ट। और आप देख सकते हैं हमारा पकोड़ा कितना फुला फुला हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना है, इसे नॉर्मली तलना है हमें। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा ये तो हमारा कढ़ी इसमें अंदर नहीं जाएगा, तो खाने में इतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमें इसे नॉर्मल तलना है। ये हमारा एक साइड से हो गया है, अब इसे हमें दूसरे साइड से पकाना है। तो ये हो चुका है हमारा पकौड़ा। अब हम इसे बाहर कर लेंगे। ये हमारा पकौड़ा तैयार है, कढ़ी पकौड़ा के लिए हमारा पकौड़ा। इसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी। बेसन लेंगे, उसमें दही ऐड करेंगे, फिर इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक आपके हिसाब से, जितना नमक आप खाते हैं ये नमक, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्स हो रहा है, हम इसे मिक्स करके बहुत ज़्यादा लिक्विड बनाएंगे इसे, ताकि कढ़ी बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, अच्छी हो बने, नहीं तो थिक हो जाएगी। कम पानी यूज़ करेंगे तो हमें अच्छे से पानी डालना है इस पर। जितना हो सके आप पतला बनाइए। तो चलिए एक पैन गरम करते हैं, उसमें सरसों तेल डालते हैं, इसमें सरसों दाना, अब इसमें लहसुन मिर्ची
जो हमने कूटे थे वो मिक्स करना है, अच्छे से पकाना है। उसमें लहसुन की जो स्मेल रहती है वो चली जाए, कच्चा वाला। ये हमारा हो गया है, अब इसमें हम कढ़ी ऐड करेंगे। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे, मिक्स करेंगे कंटिन्यूसली, नहीं तो इसमें लम्स पड़ेंगे। इसमें अपने आप उबाल आ जाएंगे, उसके बाद ही हमें मिक्स करना छोड़ना है, मिक्स करते रहना है। तो आप देखिए इसमें कैसे उबाल आ गए हैं, ये रहा, ये उबाल आ गया है। अब हम तड़के के लिए तेल गर्म किए, उसमें सूखी मिर्च, सरसों दाना अच्छे से चटक गया, कड़ी पत्ता, ये था हमारा धनिया, साबुत धनिया, हींग, इसे अच्छे से तड़काना है हमें। थोड़ा टाइम लेके जिसे अच्छे से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, इसमें जैसे मिर्ची पाउडर डालेंगे, इसमें जल्दी से मिक्स करके हमें पानी डालना है, नहीं तो मिर्ची पाउडर जल जाएगा। तो हमें जल्दी से पानी ऐड करना है। हमारा तड़का तैयार है, अब हम इसे कढ़ी में डालेंगे। और ये रहा हमारा कढ़ी, उसमें गया तड़का। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे पकाना नहीं है, बस कवर करके रखना है। ये रहा कढ़ी पकौड़ा आपके सामने। ये बनाया है आपके लिए कढ़ी पकौड़ा, जिसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। एंड मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, भर भर के कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे। और हाँ, लाइक तो बनता है। बाय बाय।